हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत। तो आज हम लोग चैप्टर 13 के लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टर्म से आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दिया है 6 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब ये कि इसमें दिया गया है कि एक 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर का सिल्वर कॉइन हमको बनाना है। ऐसा कॉइन बनाना है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और जिसकी थिकनेस जो है कितनी है 2 मिलीमीटर। तो हमें ऐसा क्या बनाना है, सिल्वर कॉइन्स बनाना है। किससे बनाना है, एक क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है, 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड से जिसका डायमेंशन ये है, इस क्यूबॉइड से हमें कुछ सिल्वर कॉइन बनाना है। और सिल्वर कॉइन की मेजरमेंट क्या है, जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और उसकी जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर की हो। तो इसमें देखिए 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, बाकी सब सेंटीमीटर दिया है। तो मेंसुरेशन का पहला काम होता है कि जो भी यूनिट दी गई है वो हमेशा सेम कर लेना चाहिए। तो मिलीमीटर को या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या पूरे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। डायग्राम ये है, ये एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन हमने ये लिख दिया है। इसको कन्वर्ट करके मेल्टेड माने इस क्यूबॉइड को गला करके कुछ सिक्के बनाए जा रहे हैं। तो मान लीजिए सिक्के इस मेजरमेंट के बनाए जा रहे हैं जिसका डायमीटर 1.75 है, तो रेडियस आधा हो जाएगा 1.75/2 और इसकी थिकनेस जो है 2 मिलीमीटर। ध्यान रखिए यहाँ सिक्का थोड़ा पतला होता है, इसलिए यहाँ हाइट न देके हाइट को थिकनेस लिखा गया है। यहाँ थिकनेस हाइट है, तो इसकी जो सिक्के की हाइट है या थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, 10 का डिवाइड तो 0.2 सेंटीमीटर हाइट का सिक्के बनेंगे। तो बताइए कि कितने सिक्के बनेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि यह सिक्के बनेंगे। तो ये देखिए ये क्यूबॉइड है और ये क्या है, सिक्का क्या होता है। सिक्का बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, पूछते भी हैं कि सिक्का तो सर्किल है। सर्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन काम कर रहे हैं। हाइट भी दी गई है, डायमीटर भी है, तो मतलब ये एक सिलेंडर है। सिक्के जो हम लोग के पास होते हैं वो एक सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर फॉर्म में होते हैं। तो ये एक सिलेंडर है, तो इस वॉल्यूम इसका इसमें से उतने ही सिक्के बनेंगे जितना इसका वॉल्यूम हो। तो इसमें कंडीशन क्या लगेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन को हमने n मान लिया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन को हम सिलेंडर बोले हैं, तो मतलब कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन अब लेते हैं, शुरू करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड अब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम को बोलते हैं, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये कितना दिया गया है, क्वेश्चन पूरा बना के ही दे दिया है, 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया गया। और सिक्के में क्या दिया गया है, एंड
इन क्वाइन, तो क्वाइन में क्या दिया गया है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ क्वाइन, एच इक्वल टू 2 मिलीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 2/10 इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर डी इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ कॉइंस एन, नंबर ऑफ कॉइन को हमने एन मान ली, तो यहां जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, वॉल्यूम ऑफ कॉइंस, मतलब कि सिलेंडर फॉर्म में है तो ये सिलेंडर फॉर्म में है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, और हाँ हमको नंबर ऑफ कॉइन भी बताना है, तो एन एन इंटू हो जाएगा, तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और इसका एल बी एच हो जाएगा, तो एल इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.2 है तो 2 बार लिख दिए, 0.2 × 0.2 हाइट, थिकनेस है, हाइट है, रेडियस अलग है, गलत हो गया, रेडियस इसकी ये दी गई है 1.75/2 × 1.75/2 हाइट दिया है 0.02, और इसका डायमेंशन तो एक साथ ही ये दिया है, तो ये हो जाएगा 5.5 × 10 × 3.5, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन अब हम इधर किए देते हैं, एन इक्वल टू ये वैल्यू उधर जाएगी तो रिसिप्रोकल हो जाएगी, तो 5.5 × 10 × 3.5 × 7 × 2 × 2 × 7 × 2 × 2 × 2 upon 22 × 1.75 × 1.75 × 0.2। अब इन नंबरों को कट कर लेना, कट कर लीजिए या सिंपलीफाई कर लीजिए, जो भी आए वो इसके नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ नंबरों को हमने कट कर दिया है, इसमें देखिए आगे तो डेसिमल हटा लिए, लाइट टर्म बना लिए, जैसे 5.5 है तो नीचे 1 टेन आया, फिर इसमें 1 टेन कर दिए तो ऊपर के डेसिमल हट गए, फिर इनको हटाने के लिए 100 प्लेस में ये है, 100 प्लेस में ये, तो 200 का मल्टीप्लाई 1 टेन का कर दीजिए, फिर नंबरों को आप पूरी तरह से कट कर दीजिए, पूरे ही नंबर कट हो जाते हैं, तो बचता क्या है 100, 2 और 2 बचता है, तो 400 पॉइंट आया, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 400 कॉइंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लीजिएगा, ओके बीटेक नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ही इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन है उनको भी हम बता देते हैं आपको, ओके बीटेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट,
ए सिलेंड्रिकल बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड. दिस बुकेट इज इम्पिटेड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्मेड. इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बुकेट है, इसके अंदर क्या है, बालू भरी हुई है और इस बालू को ऐसे उड़ेला जाता है. तो जब देखे होंगे कि बालू को हम पलटते हैं तो वो एक कौन शेप में हो जाता है. तो जब हम इस सिलेंडर में जो बालू भरी हुई है ऐसे उल्टाते हैं जमीन में तो ये किस आकार का बन जाता है, कौन आकार का बन जाता है. तो यदि इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है तो बताइए कि उसकी रेडियस क्या होगी और उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी. यहाँ सिलेंडर की हाइट 32 दिया है और रेडियस ये, तो इसमें जितना भी सैंड भरा हुआ था तो ऐसे उड़ेला गया है, मतलब कि इसकी बालू की वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. तो चूंकि वॉल्यूम इसमें जो बालू है सैंड है सिलेंडर के अंदर भरा हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन फार्मूला लगेगा. तो यहाँ सॉल्यूशन गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू आर वन हम यहां सपोज कर लिए हैं, आर वन नहीं है आर ही माने हैं, आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हाइट कितनी है एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. Also given conical hip height of conical hip H1 equal to 24 centimeter and let रेडियस ऑफ कॉमन कॉन आर वन इक्वल टू स्लैंट हाइट एल इक्वल टू ये दो चीज हमको फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच. तो एच वन एच टू इसमें वैल्यू तो पाई से तो पाई पहले ही कट गया, पाई से पाई आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया. अब बचा क्या, आर आर की वैल्यू सिलेंडर है तो आर की वैल्यू कितनी दी गई, यहां भी लिखा फिगर में भी देख सकते हैं 18, तो 18 इंटू एच वन अपॉन थ्री आर की वैल्यू तो यहाँ फाइंड करना है आर वन स्क्वायर और एच वन की वैल्यू कितनी दी गई है 24. तो आर वन की वैल्यू निकालना है हमको,
तो आर वन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये नंबर, एच इसका दिया हुआ है, एच इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी दी है 32, ये तो आर वन की वैल्यू निकालना है, तो 18 into 18 into 32 upon 24 ये हो जाएगा। अब इन नंबरों को कट कर लीजिए, तो इसमें 3 8 जा हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा ये, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर वन इक्वल टू अंडर रूट 18 into 18 into, देखिए 4 बचा है तो 2 into 2 लिख सकते हैं, तो आर वन इक्वल टू आ जाएगा 18 into 2, तो आर वन की वैल्यू आई 36 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग आर वन की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमको आर वन की वैल्यू कितनी मिल गई, 36 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर लिए। अब इसके अलावा क्या है दूसरा क्वेश्चन, स्लैंट हाइट भी निकालिए, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट इक्वल टू एन, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये देखिए ये राइट एंगल बन रहा है, हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ये वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, या कि फार्मूला ध्यान रखिए, तो एच की वैल्यू क्या है 36, तो 36 का स्क्वायर, आर की वैल्यू और हाइट, ये हाइट दिया है, हाइट 24 का स्क्वायर और रेडियस हम लोग 36 सेंटीमीटर निकाल लिए, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो ये आया, तो एल इक्वल टू अंडर रूट 24 का 24 into 24 प्लस 36 into 36, तो एल 24 में 24 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 586, है ना, 24 में 24 का करेंगे तो 586 और 36 में 36 का करेंगे तो 1296 माने 1296। अब इनको प्लस कर दीजिए तो प्लस करने से आएगा 1882। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज 12 से कट रहा है तो 12 into 12 into 13 ये आ जाएगा, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी 12√13 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर। तो आर की वैल्यू ये आई और स्लैंट हाइट आपका ये आया, तो स्लैंट हाइट हम लोग कितनी फाइंड कर लिए 12√13 सेंटीमीटर। तो ये भी अब आंसर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बीटे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा ये नीचे हो गया है, इसको हम ऊपर किए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन लगाए थे, अब आपको अच्छी तरह से ये दिख रहा होगा। ओके तो स्टूडेंट बीटे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, देख लीजिए क्वेश्चन लगा दिए हैं, बहुत कठिन नहीं है, सरल ही था, चित्र बनाने की भी कोशिश किए हैं। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन नीडेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैनाल से वाटर छोड़ा जा रहा, पानी छोड़ा जा रहा जमीन में या खेत में या फील्ड में, तो इस कैनाल से जो पानी गुजरता है उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और कैनाल की गहराई कितनी है, कैनाल यानी नहर होता है
तो केनाल की जो गहराई है ये वाली, ये गहराई इसकी जो है इधर डी इक्वल टू हाइट ये दिया है 1.5 मीटर, और इस कैनाल में 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी बह रहा बाहर की ओर। और यदि कैनाल की ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है विड्थ जो है वो कितना दिया है 6 मीटर। तो एक कैनाल है जिसकी गहराई या जिसकी डीप या हाइट 1.5 मीटर है और उसकी जो विड्थ है 6 मीटर है, इस तरह के कैनाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी की जो स्पीड है, वाटर की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से जब माने फील्ड में पानी छोड़ा जाता है, तो अब हमें ये जो पानी छोड़ा गया वो कितने मिनट के लिए है, 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए इससे पानी छोड़ा गया है, तो 30 मिनट पानी के लिए शर्त रख दी गई है कि पानी जो है कम से कम जमीन में 8 सेंटीमीटर भर जाना चाहिए। तो इसमें यह बताना है कि 30 मिनट में 8 सेंटीमीटर पानी कितने एरिया में भरेगा। एक कैनाल है जिससे पानी छोड़ा जा रहा है, पानी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी फील्ड में छोड़ा जा रहा, तो बताइए कि उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर पानी कितने एरिया में भरेगा। मतलब कि जितना पानी बहेगा उसका एरिया और फील्ड का एरिया इक्वल होगा पानी की स्पीड के। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है विड्थ दी हुई है कैनाल की 6 मीटर, ये आप देख रहे हैं, और इसकी हाइट भी देख रहे हैं 1.5 है। इस तरह के कैनाल से पानी छोड़ा जा रहा, तो पानी जितना इससे निकलेगा उतनी ही जमीन कवर करेगा। तो एरिया कवर्ड बाय वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कैनाल से जितना पानी निकलेगा 30 मिनट से, तो उतना वाटर जितना है उतने ही एरिया में वाटर, उतना ही वाटर एरिया को घेरेगा। तो जितना एरिया वाटर घेर लेगा, तो मतलब एरिया ऑफ वाटर जितना घेरा और कैनाल से जितना पानी निकला उसका वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो कवर्ड एरिया बाय वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये इसमें कंडीशन लगी थी। तो यहाँ क्यूबॉइड की विड्थ दी गई है 6 मीटर, लेंथ इसकी जो दी गई है वो वाटर के हिसाब से दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। हम इसके अनुसार इसकी लेंथ निकालेंगे, है ना, इसकी जो स्पीड है वाटर की इसी के अकॉर्डिंग हम कैनाल पानी की लेंथ या कैनाल की लेंथ निकालेंगे, है ना, क्योंकि कैनाल तो बहुत लंबी होती है, पानी भी बहता रहता है, तो इसकी स्पीड से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ दी गई, लेंथ हमको निकालना है, स्पीड दिया गया है तो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 30, तो स्पीड में हम टाइम का इंटू कर दें तो इसकी लेंथ निकल आएगी, कैनाल से वाटर कैनाल की क्या निकल आएगी, लेंथ। तो स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम 30 मीटर, तो चूंकि ये मिनट में है तो, और ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमें या तो इसको चेंज करें या इसको, तो हमने इसको आवर में चेंज किया है, तो 30/60 लिख लिए हैं, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। और यदि मीटर में लिखेंगे तो 5000 मीटर आ जाएगा। तो देखिए, अब कैनाल की हमें लेंथ भी मिल गई, विड्थ हाइट पहले से पता थी, तो इतनी चीज तो हमको पता चल गई, ये लेंथ विड्थ हाइट, तो ये लिख दिए 5006 एंड 1.5। अब आते हैं फील्ड में, इस फील्ड में कितना पानी चढ़ जाना चाहिए, 8 सेंटीमीटर पानी चढ़ जाना चाहिए, है ना, 8 सेंटीमीटर पानी चढ़ने, यदि वाटर चढ़ रहा है तो ये बताना है कि कितने एरिया में इतना पानी चढ़ा होगा, माने उस एरिया को बताना है। तो हमने मान लिया कि एरिया कवर्ड बाय वाटर एक्स मीटर स्क्वायर, है ना, एक, क्योंकि पानी एक जगह तो नहीं जाएगा, चारों ओर फैलेगा, तो एरिया में हो जाएगा। और वाटर स्टैंडिंग कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर पानी चढ़ना चाहिए, तो 8x हो जाएगा। तो इतना पानी जितना ये कवर किया वाटर, एरिया कवर किया
पानी ने जितना एरिया कवर किया उसका वॉल्यूम वॉल्यूम आपकी वाइट इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि 0.08x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यू वाई, ये फिर वैल्यू रख दिए हैं यहाँ से, x की वैल्यू निकाल ली है। तो ये मीटर स्क्वायर में है, इसे हेक्टेयर में यदि बदलेंगे तो इसमें 10,000 का हम डिवाइड करेंगे तो हेक्टेयर में निकल आएगा। ये भी आंसर सही है, यदि हेक्टेयर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, फिगर भी ठीक है, फिगर से आप समझिए। तो बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ ये पूरा पार्ट है ये क्वेश्चन का, यहाँ ये अब आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन भी दिख गया होगा और ऊपर भी ये अब आपको पूरा ही दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, अब ये इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा, एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा और ये नहीं बनता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, नहीं बन रहा तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे बन जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आज से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा और पढ़ाना समझ में आ रहा तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा होगा प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है टेंथ का, प्रोबेबिलिटी लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।